बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाने मथुरा पहुंचे सीएम योगी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे तो समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा था। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की जय श्री राम। मन में श्री कृष्ण की श्रद्धा, दिमाग में 312 प्लस सीटों के पार पहुंचने का ताना बाना और पीएम मोदी द्वारा मिले नए तमगे उपयोगी के जोश का ये नया नजारा है। वैसे तो कोई भी व्यक्ति जब भी श्री कृष्ण की धरती पर पहुंचता है तो वो श्रद्धा और उत्साह की एक अलग शक्ति महसूस करता है, मगर जब सामने लाखों की भीड़ हो जो समर्थक के रूप में अपने अतिथि को पूजनीय मानती हो तो फिर यूपी के मुखिया के मन और मस्तिष्क का सातवें आसमान पर पहुंचना स्वाभाविक है। मन से सीएम योगी ने जब अपने चाहने वालों को संबोधित किया तो सामने का हुजूम मानो मंत्रमुग्ध हो गया। योगी योगी के नारों से ब्रिज गूंजने लगा। दिसंबर की सर्दी में चुनावी सरगर्मी और सियासी तपिश ऐसी कि सर्दी का एहसास तक खत्म दिखता है। माइक संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर उस बिंदु की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित कराया जो 2017 के पहले लोगों के लिए चिंता का सबब था। कोसी के दंगे से लेकर जवाहर बाग की कहानी, माफियाओं के राज से लेकर व्यापारियों की व्यथा, एक एक कर अपने तर्कश से उन सभी तीरों को छोड़ा जिससे लोगों में भरपूर विश्वास पैदा हो सके। पिछली सरकारों में क्या होता था, यही करती है। कोसी कला का दंगा यहाँ का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। कोसी कला में क्या होता था, जवाहर बाग में क्या होता था। पहले जवाहर बाग की घटना होती थी, कोसी कला का दंगा होता था, आपने देखा होगा। सीएम योगी ने मथुरा वृंदावन की नगर निगम बनने, यूपी के विकास की मॉडल को विस्तार से सामने रखने के साथ केंद्र सरकार द्वारा फ्री वैक्सीन, आर्टिकल 370 हटाने, भव्य राम मंदिर के निर्माण के जिक्र के साथ 2017 के पहले की सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए अखिलेश पर प्रहार किया, परिवारवाद पर दिल खोल कर घेरा। योगी ने विशेष रूप से याद दिलाया कि किस तरह 5000 वर्ष पहले कंस के अत्याचार पर कृष्ण आए थे। देश के 135 करोड़ जनता को फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन का लाभ देते हैं उनको तब भी अच्छा नहीं लगता है। देश के अंदर आतंकवाद को मिटाएंगे। कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी गई ना, हम आएंगे भी और भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। जाहिर है इस चुनावी समर में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई अपने अंदाज में अपने विरोधियों को धूल चटाने की जद्दोजहद में है। योगी के हमलों से तिलमिलाए अखिलेश ने भी पलटवार किया। वो कौन भूल जाएगा अनिल योगी सरकार के मुख्यमंत्री अनिल योगी के गृह जनपद में एक व्यापारी कारोबार करने आया था, घूमने आया था, वहां पर पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। अनिल योगी वो है जो छुट्टा जानवर तक नहीं रोक पा रहा। अनुपयोगी तो है ही मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा। सत्ता पक्ष अपनी सत्ता बचाए रखने की कवायद में है तो विपक्षी दल अपनी वापसी के रास्ते के सभी कांटों को हटाने की कोशिश में। लेकिन मथुरा समेत उत्तर प्रदेश में अलग अलग 6 जगहों से बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा के इस आगाज से अपना अंजाम अपने प्लान के मुताबिक करने की जुगत में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे और जन विश्वास यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाई, रथ को रवाना किया और मंच से खूब हुंकार भरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ काशी विश्वनाथ, अयोध्या के विकास के कामों को गिनाया, पूर्वांचल के विकास के कामों को गिनाया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को आड़े हाथों लिया है, खासकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छापे जो पड़ रहे हैं उसको लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं अनुश्रीवास्तव, मथुरा जी मीडिया।